Very good morning, students. Welcome to the class. Today we will start 10th chapter in your SST book, that is industries. देखो industries क्या होते हैं. देखो जो बड़ी बड़ी हम factories लगाते हैं, ठीक है, जहाँ पे कुछ ना कुछ production होता है, कोई चीज़ें बनती हैं, manufacturing होती है. manufacturing मतलब किसी सामान का production होता है, उत्पादन होता है. जैसे आपकी suppose करें हम ये pen मार्कर है, ये सपोज ये आपकी पेंसिल है, रबर है, इरेजर है, वो कहीं ना कहीं बनती होगी, है ना, किसी ना किसी फैक्ट्री में बनती होगी. तो फैक्ट्री से बड़ी क्या होती है, इंडस्ट्रीज. यानी कि अगर जब हम लार्ज स्केल पे बात करते हैं तो हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज से भी बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है. ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज को भी हम इंडस्ट्रीज बोलते हैं, क्लियर. तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो इंडस्ट्रीज के बारे में ही रहेगा, ठीक है. हम इंडस्ट्रीज के को स्टडी आउट करेंगे. तो ओपन योर एसएसटी बुक, चैप्टर नंबर 10, इंडस्ट्रीज, पेज नंबर है आपका 62. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखो, डिड यू नो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल. शुगर केन एंड कॉटन इंडस्ट्रीज आर सम एग्जाम्पल. देखो जो एग्रो बेस्ड मतलब जो खेती पे बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, व्यापार होते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज जो खेती के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, यानी कि खेती से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो खेती के प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं एज रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल जिनसे किसी भी चीज को बनाया जाता है. जैसे कि अब आपके बिस्किट है, बिस्किट बनाने के लिए क्या चाहिएगा, आटा चाहिएगा. आटा कहाँ से आता है, गेहूं से आता है, ठीक है. तो गेहूं क्या है, गेहूं है आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है. तो बिस्किट बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या लगेगा आपका, व्हीट, यानी कि गेहूं का आटा, ठीक है. और साथ में क्या लगेगी, चीनी. चीनी कहाँ से आती है, शुगर केन में से. तो शुगर केन में क्या हुआ आपका, एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हुआ. तो बिस्किट की जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चरल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, यानी कि ऐसा सामान उसमें चाहिए होता है जो कि खेतों में होता है, ऐसा रॉ मटेरियल वो उनको यूज करती है. रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, यानी कि बिस्किट बनाने के लिए जो जो सामान लगेगा. अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज एक बिस्किट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, हम कहते हैं कि हमें जो है फ्लोर चाहिए. फ्लोर मतलब आटा, ठीक है. आटा कहाँ से आएगा, व्हीट, गेहूं से. और व्हीट कहाँ से आएगा किसी एग्रीकल्चरल फील्ड, यानी कि खेत से, ठीक है. साथ में हम कहते हैं लगे कि शुगर, चीनी, मीठा होता है ना बिस्किट, शुगर, ठीक है. वो शुगर कहाँ से आएगी, वो आएगी शुगर केन से, यानी कि गन्ने से. और गन्ना कहाँ होगा, ये किसी खेत में, ठीक है. तो ये जो फ्लोर है, यानी कि जो आटा है और शुगर है, ये दोनों क्या है, ये रॉ मटीरियल है, कच्चा माल जिनको हम बोलते हैं, ठीक है. किसी भी सामान को बनाने के लिए जिन सामान की जरूरत पड़ती है उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं. रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, ठीक है. तो बिस्किट बनाने के लिए सपोज हम कहते हैं हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है, मान लो कि आटा चाहिए और चीनी चाहिए. तो आटा और चीनी क्या हो गया, हमारा रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, क्लियर. वार्म अप. फाइंड आउट थिंग्स अराउंड योर हाउस दैट कम्स फ्रॉम एन इंडस्ट्री. आप अपने घर में ऐसी चीज़ों को देखो जो कि किसी इंडस्ट्री से आई है. जैसे आपका फर्नीचर हो सकता है, कहीं मैन्युफैक्चर हुआ होगा. आपका बेड है, सोफा है, आपकी चेयर है, टेबल है, स्टडी टेबल है, ठीक है. तो ये सब कहाँ से आई होंगी, किसी ना किसी इंडस्ट्री से आई होंगी, ठीक है. बल्कि आप लोग जो जितनी चीज़ें यूज़ करते हैं उनमें से 90% चीज़ें जो है इंडस्ट्री से ही आती हैं, चाहे वो आपकी बुक है, पेंसिल है, कॉपी है, ठीक है. द क्लोथ्स वी वेयर, जो कपड़े हम पहनते हैं,
द फर्नीचर एंड यूटेंसिल वी यूज, जो फर्नीचर या बर्तन जो हम यूज करते हैं घरों में, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, कार्स एक्सेट्रा, विच मेक अवर लाइफ कन्वीनियंट आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज। आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, कार हो गई, जो भी हमारी लाइफ को कन्वीनियंट यानी कि आरामदायक बनाते हैं, उन वो सभी चीज़ें जो है किसी ना किसी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होती है, यानी कि उनका उत्पादन किसी ना किसी इंडस्ट्री में होता है। यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको यूज जो है नेचुरल रिसोर्स यूज करके बनाया जाता है, जैसे कि कॉटन, वुड, आयरन ओर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, इनको प्रोसेस करके ये सारे सामान बनाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल वुड चाहिए, लकड़ी चाहिए, लकड़ी को काट के, तराश के, शेप दे के, जोड़ के आपका बेड बन जाता है, आपका फर्नीचर बन जाता है कोई और। ठीक है, तो ये सारे नेचुरल रिसोर्स हमें चाहिए होते हैं इंडस्ट्रीज में किसी न किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, एवरी इंडस्ट्री नीड्स रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। हर एक इंडस्ट्री को कच्चा माल, कच्चा माल क्या होता है, मैंने समझा ना, जो भी किसी सामान को बनाने में चीजें यूज होती हैं उनको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक इंडस्ट्री को जो है कि गुड्स को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। दे आर कन्वर्टेड इंटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स बाय एन इंडस्ट्री। इन सबको जो है ज़्यादा कन्वर्ट करके और ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी ज़्यादा यूजफुल हो गई है, लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर, लकड़ी से बनी हुई चेयर, लकड़ी में बैठ पाओगे नहीं, लेकिन चेयर बन जाएगी उसकी तो बैठ पाओगे। तो क्या करते हैं इंडस्ट्रीज, किसी भी रॉ मटेरियल को ज़्यादा यूजफुल बना देते हैं। ठीक है, क्लियर है कि वो आपकी लाइफ को और कन्वीनियंट बना देगी। लोहा है, लोहा आपको वैसे काम नहीं आएगा, लेकिन लोहे की कार बन जाएगी अगर मान लो, तो वो कार आपको सुविधा देगी, है ना। तो क्या करता है इंडस्ट्रीज, आपके आराम के लिए, आपकी कन्वीनियंट के लिए चीज़ों को और बेहतर बना देती है। ठीक है, नीड फॉर, नीड ऑफ इंडस्ट्री, हमें इंडस्ट्रीज की ज़रूरत क्यों होती है, उद्योगों की ज़रूरत हमें क्यों होती है। देर आर सर्टेन थिंग्स नीडेड टू सेटअप एन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, इंडस्ट्री को लगाने के लिए कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, जैसे कि सच एज रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल की, मशीन्स, मशीनों की भी तो ज़रूरत होगी ना, ऐसे ही तो नहीं बन जाएंगी, किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें मशीन्स की भी ज़रूरत होगी रॉ मटेरियल के साथ। पावर यानी कि बिजली की ज़रूरत होगी, लेबर, लेबर यानी मजदूरों की ज़रूरत होगी, काम करने वाले भी तो मजदूर होंगे, तभी तो बनेंगे ना चीज़ें। ये बिस्किट बनाने के लिए शुगर और आटे में अपने आप को नहीं मिल जाएगी, इसको मिक्स करने के लिए भी चाहिए हमें मजदूर, है ना, काम करने वाला कारीगर। फाइनेंस यानी कि पैसे की जरूरत होगी, एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन, जो कि कच्चे माल को जैसे कि खेतों से शुगर के को लेके आएंगे, शुगर के से चीनी बनेगी, चीनी को यहाँ पे इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में लेके आया जाएगा, कौन लेके आएगा, कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल लेके आएगा, तो ट्रांसपोर्ट की भी हमें जरूरत होती है। जब ये बिस्किट बन जाएगा तो इसको मार्केट में बेचने कौन जाएगा, ट्रक में या किसी और वाहन में हम इसको भेजेंगे ट्रांसपोर्टेशन के साधन में। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन की भी हमें ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें जो है हमें लगती हैं कहाँ पे, इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने में, इंडस्ट्री को बनाने में, रॉ मटेरियल, मशीन्स, पावर, लेबर, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, द बेसिक कमोडिटी यूज इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। देखो, बेसिक जो कमोडिटी यानी कि आम जो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए होती है किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल, कच्चा माल बोलते हैं, कि हमें ये चीज़ें लगेंगी अगर हमें कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है। अब सपोज हमें चेयर बनानी है तो हम कहेंगे हमें लकड़ी चाहिए, हमें कीलें चाहिए, हमें मशीन चाहिए, औजार चाहिए ना लकड़ी को काटने के लिए, जोड़ने के लिए, तो ये सब क्या बन गए उसके, चेयर बनाने के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल बन गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर इज द रॉ मटेरियल फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन ओर क्या है, लोहा इस्पात जो है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री का एक कच्चा माल है। क्लियर, एंड शुगर केन इज द रॉ मटेरियल फॉर शुगर इंडस्ट्री। चीनी की जो इंडस्ट्री है उनके लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, शुगर केन। चीनी बनाने के लिए हमें शुगर केन की जरूरत है, तो शुगर केन क्या हो गया,
चीनी इंडस्ट्री के लिए एक कच्चा माल हुआ, ठीक है। स्टील एंड व्हाइट शुगर आर द फाइनल प्रोडक्ट्स, जो स्टील बनेगी स्टील इंडस्ट्री से और जो चीनी बनेगी वो क्या है हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स। अब देखो इस एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे शुगर है, फ्लोर है, आटा है, ये क्या है हमारा रॉ मटेरियल। बिस्किट जो बनेगा इसको हम बोलेंगे फाइनल प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल यूज करके हमने बनाया फाइनल प्रोडक्ट जो कि था हमारा बिस्किट। तो उसी तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं शुगर केन क्या हुआ हमारा कच्चा माल और चीनी जो बन गई वो हुआ हमारा फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट मतलब अंतिम उत्पाद जो जिसको हमने बनाना था अपनी इंडस्ट्री में, ठीक है, वो बन गया तो हमारा क्या बन गया फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। We require machines to turn this raw material into finished or final goods. अब raw material को finished goods में convert करने के लिए या final products में convert करने के लिए हमें मशीनों की ज़रूरत होती है, ठीक है। For example, cotton balls are processed and made into the fine cotton cloth with the help of machines. जैसे कि cotton balls, रुई जो होती है उसको प्रोसेस किया जाता है मशीन की हेल्प से ताकि हम उससे एक फाइन कॉटन क्लोथ का जो कॉटन का कपड़ा बना सकें। कॉटन का कपड़ा होता है वो किससे बनता है, रुई से बनता है। अब रुई को जो है कन्वर्ट करना होगा हमें कपड़े में, तो उसके लिए हमें मशीन्स की ज़रूरत होगी, क्लियर। टू रन दीज मशीन्स पावर और इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, अब इन मशीनों को चलाने के लिए हमें पावर और इलेक्ट्रिसिटी बिजली की ज़रूरत होगी। विच कैन बी थर्मल पावर ऑपरेट फ्रॉम कोल, जो कि थर्मल पावर हो सकती है जो कि कोयले से मिलती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि बिजली से जो पानी से हमें बिजली मिलती है या तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, और न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर हम यूज़ कर सकते हैं मशीनों को चलाने के लिए। लेबर इन द फॉर्म ऑफ वर्कर्स मैनेजर्स साइंटिस्ट इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड टू रन एन इंडस्ट्री, अब ये सारी मशीनें हैं रॉ मटेरियल है ये अपने आप तो काम नहीं करेंगी, इनको चलाने के लिए हमें कुछ वर्कर्स की कुछ लेबरर्स की कुछ ऑफिसर्स की कुछ लोगों की ज़रूरत होगी। वो लोग कौन हो सकते हैं, आपके वर्कर्स हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, इंजीनियर साइंटिस्ट, ये लोग मिलके जो है आपकी इंडस्ट्री में काम करेंगे और मशीनों को और रॉ मटेरियल को जो है फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर मनी इज नीडेड टू सेटअप एन इंडस्ट्री, और पैसे की भी तो ज़रूरत होगी ये सारी चीज़ों को खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदोगे, मशीन खरीदोगे, ठीक है, फैक्ट्री को बनाओगे जमीन लेके उसके लिए भी पैसा चाहिए, जो काम कर रहे हैं उनको पैसा जो आप सैलरी दोगे वेजेस दोगे उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो मनी की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। बाय रॉ मटेरियल कच्चे माल को खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, ठीक है। मशीन्स को एक्सेट्रा नीडेड टू रन एन इंडस्ट्री, यानी कि पैसे की ज़रूरत होगी हमें इंडस्ट्री को रन करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ठीक है, हर चीज़ के लिए। वंस द फिनिश प्रोडक्ट्स आर रेडी, एक बार जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, फिनिश गुड भी बोलते हैं इसको, फाइनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जब एक बार हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू टेक देम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अब जब आपने बिस्किट बना लिए सपोज, तो आपको जो है वो बेचना होगा, बेचने के लिए आप क्या करोगे ट्रक में मालगाड़ी में उसको देश के कोने कोने में जाके सेल आउट करोगे, ठीक है। तो फिर हमें जरूरत होगी ट्रांसपोर्ट की, ट्रक हुए, रेलगाड़ी हुए, वाहन हुए, ये सब क्या होते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्लियर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, किस किस तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं, क्लियर, इनको देखते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ साइज द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द टाइप्स ऑफ मशीन यूज्ड इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड एज कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। देखो कि किसी भी इंडस्ट्री का साइज क्या है, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर मतलब कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, एंड टाइप्स ऑफ मशीन यूज, किस तरह की मशीनें यूज कर रहे हैं, यानी कि किसी इंडस्ट्री का साइज क्या है, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो है किस टाइप की जो है मशीन्स वहाँ पे यूज हो रही हैं, उसके बेस पे हम इंडस्ट्री को तीन भागों में बांट सकते हैं, या तो कॉटेज इंडस्ट्री में, या तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, ठीक है। अब इनको तीनों को बारी बारी हम पढ़ते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है। दीज इंडस्ट्रीज आर वेरी स्मॉल, ये इंडस्ट्रीज कॉटेज इंडस्ट्री जो होती है वो बहुत छोटी होती है। दे आर सेटअप बाय पीपल इन देयर ओन होम्स, ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही इनको जो है बना लेते हैं।
ठीक है, घरों में ही सेटअप कर लेते हैं एंड रिक्वायर वेरी फ्यू पीपल, और उनमें बहुत कम लोगों की जरूरत होती है क्योंकि घरों में तो काम स्मॉल स्केल पे ही हो सकता है, बहुत ज़्यादा छोटे स्केल पे तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों की भी जरूरत नहीं पड़ती, लोग अपने घरों में ही ऐसी कॉटेज इंडस्ट्रीज को लगा सकते हैं। देयर आर नो मशीन्स रिक्वायर्ड एंड सिंपल टूल्स आर यूज्ड, इसमें मशीनों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कुछ औजारों की ही जरूरत होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री आर मेकिंग शॉल्स, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है कि घरों में लोग शॉल बना लें, सिल्क की साड़ी बनाएं, बास्केट्स यानी कि टोकरियाँ बनाएं, ग्राइंडिंग फ्लोर आटा पीसें, मेकिंग टॉयज खिलौने बनाएं, तो ये सब लोग जो है छोटे छोटे औजारों की मदद से घर में ही कर सकते हैं, इसलिए इनको हम इसमें ज़्यादा ना तो लोगों की ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत होती है, इसलिए इनको हम कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। क्लियर। दूसरा देखते हैं हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। दीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विच यूज स्मॉल मशीन्स एंड एम्प्लॉय मोर पीपल। अब ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये जो हैं ये क्या करती हैं, स्मॉल मशीन्स को यूज़ करती हैं, छोटी मशीनों को यूज़ करती हैं और ज़्यादा लोगों को काम पे, जितने जैसे आपने देखा ना कॉटेज इंडस्ट्री में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है और कुछ मशीनों की ज़रूरत होती है, छोटी मशीनों की। मोर रॉ मटेरियल इज़ यूज, बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ होता है एंड फिनिश प्रोडक्ट इन लार्ज क्वान्टिटीज आर मेड एज कम्पेयर टू द कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्रीज के कंपेरिजन में ज़्यादा जो है फिनिश्ड गुड्स की लार्ज क्वांटिटीज यानी कि बड़ी संख्या में फिनिश्ड गुड्स बनाया जाता है, यानी कि उत्पादन का स्तर जो है कॉटेज इंडस्ट्री से ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोग काम करेंगे, ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा तो फिनिश गुड भी ज़्यादा बनेगा, है ना, छोटी मशीनों की मदद से बनाते हैं। सम प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर जैसे कि फर्नीचर है, प्लास्टिक गुड्स हैं, सोप, यूटेंसिल्स, हैंडलूम, क्लोथिंग एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं। क्लियर, समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है। कॉटेज इंडस्ट्री में हमें बहुत कम जो है लोगों की ज़रूरत होती है और बहुत ना तो हमें किसी मशीन की ज़रूरत होती है, छोटे छोटे टूल्स की हेल्प से ही हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बहुत स्मॉल स्केल पे होता है, छोटे स्तर पे काम होता है क्योंकि घरों में ही काम होता है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हमें ज़्यादा रॉ मटेरियल लगता है, छोटी मशीनों का यूज़ करते हैं, ज़्यादा लेबर लगाते हैं उसमें, फिनिश्ड गुड्स की भी ज़्यादा क्वान्टिटीज को हम बना पाते हैं, ठीक है, मशीन्स की हेल्प से, जैसे हैंडलूम, यूटेंसिल, सोप, गुड्स, प्लास्टिक का सामान हो गया, फर्नीचर हो गया, कपड़े हो गए, ये सब। क्लियर है, ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्लियर।